अशोकनगर में शिक्षकों का तबादला रुकवाने की मांग को लेकर स्कूल के बच्चे कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। ये सभी अपने परिजनों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। अशोकनगर के गवर्नमेंट हाई स्कूल के दो शिक्षकों जयपाल सिंह यादव और सुरेश जैन का तबादला हो गया है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चों का कहना है कि दोनों शिक्षकों की वजह से हर साल स्कूल का परीक्षा परिणाम बेहतर आता है। उन्होंने बच्चों की सुविधा के लिए स्कूल की बंजर जमीन पर बड़ा गार्डन भी जनभागीदार से बनवाया था। शिक्षकों के तबादले से बच्चे मायूस हैं। इन्होंने टीचरों की वापसी नहीं होने पर स्कूल तक छोड़ने की बात कही। डीईओ ने बच्चों की मुलाकात कलेक्टर से कराई। उन्होंने भी बच्चों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डीईओ ने कहा कि अगर दोनों शिक्षक सहमति पत्र दे देंगे तो उनका ट्रांसफर निरस्त कर दिया जाएगा। एक सर का मतलब चौधरी हो गया है, सुरेश जैन सर का, इसलिए यहाँ पर आए। क्या मांग है? सर को वापस वहीं पर स्कूल में कर दें, पाठखेड़ाई पर। तो टीचर का ट्रांसफर हो गया, उनका रुकवाने आए हैं। और वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जयपाल सर सब्जेक्ट विज्ञान पढ़ाते थे और सुरेश जैन अंग्रेजी पढ़ाते थे। अगर उनका ट्रांसफर नहीं रुका तो हम स्कूल नहीं जाएंगे और हमारी पढ़ाई रुक जाएगी। पाठखेड़ा हाई स्कूल के बच्चे आए हैं और उनके विद्यालय के दो शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है और वो ज्वाइन भी हो गए हैं। तो बच्चों का और गांव वालों का कहना है कि उनके ट्रांसफर निरस्त किए जाएं। तो मैंने भी समझा दिया है और कलेक्टर मैम से भी बच्चों को मिलवा दिया है। तो उन जिन शिक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं उनसे सहमति लेकर के हम प्रस्ताव भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके ट्रांसफर निरस्त हो जाएं। और यदि ये